हेलो गाइस, आज हम गोभी की पकौड़ी बनाएंगे। आज हमने दो फूल लिए हैं गोभी के और इन्हें हम अब काट लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे जिससे अच्छे से कोट हो जाए हमारी। देख सकते हैं हमने इतने इतने पीसेस ऐसे ऐसे काट लिए हैं जो अच्छे से बेसन में हमारे कोट हो जाए। अब हम अपना बेसन घोलेंगे। हम गोभी को अच्छे से वॉश करेंगे गर्म पानी में। ये हमने थोड़ा गर्म पानी कर रहे हैं, इसके अंदर अब हम गोभी को वॉश करेंगे अच्छे से। तो अब हमने गोभी पानी में डाल दी है। अब इसे एक दो मिनट के लिए हम बॉईल होने देंगे अच्छे से, उससे इसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। हमारी गोभी बॉईल हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको गैस ले रहे हैं, गोभी ना ठंडे पानी में उसके बाद धो लिए हैं, गर्म पानी से बॉईल होने के बाद ठंडे पानी में धो ली। अब इनको हमने निकाल यहाँ पर रख लिया है। अब हम अपना बेसन घोलेंगे, अपना बैटर तैयार करेंगे। हमने 200 ग्राम करीब बेसन लिया होगा। दो फूल हमारे गोभी के थे। अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अब तो हमने हाफ स्पून नमक लिया है, मिर्च आप अपने अनुसार ले सकते हैं, नमक भी थोड़ी सी हल्दी ली है बस। तो हमने धनिया पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा सौंफ पाउडर। आप और मसाले अपने अनुसार डाल सकते हैं, हमने ये लिए हैं। वैसे थोड़ा सा हींग डालेंगे। अभी हम थोड़ा सा जिंजर और चिलीज डाल देंगे। अब आप अपने अनुसार भी चिलीज डाल सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग, जितना बच्चे पसंद करें। अभी हमने थोड़ा सा साबुत धनिया ले लिया है, इससे आपकी मर्जी है वैसे, पर इससे टेस्ट बहुत इनहेंस हो जाता है पकौड़ी। अब इसके अंदर हम कसूरी मेथी थोड़ी सी ले लेंगे, उसको हाथों से ऐसे करके रब करके इसके अंदर डाल देंगे। कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होता है। अब हम इसको पानी से बैटर घोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे लम्स ना होने से। अब हम सरसों का तेल गरम करने रख देंगे। अब हमने फ्लेम चालू कर दी है, देखो सर आप देख सकते हैं हमने हाई फ्लेम पे अपनी कढ़ाई प्री हीटेड कर दी है और अब हम बैटर घोलेंगे। अभी हम धीरे धीरे पानी डाल के ऑयल डाल के उसे गरम होने रख दिया है। आराम से अपना आप अपना घोल घोल सकते हैं जिससे लम्स ना आए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उधर कढ़ाई भी हीट हो रही है ना। हमने घोल तैयार कर लिया। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि हमारा गोभी कोट हो जाए अच्छे से। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारी कढ़ाई ठीक से हीट है या नहीं। आप देख सकते हैं एकदम से ऊपर आ रही है, इसका मतलब कि अच्छे से हीट है कढ़ाई। लेकिन पीस लेके उसको कोट करके अच्छे से पूरा अच्छे से कोट करके फिर एक बार से टैप कर लेंगे। देन टेक्सचर कितना अच्छा है इसका। अब हम थोड़ी देर और इसको लो फ्लेम पे करके गोल्डन ब्राउन होने तक फिर हम इसे उतार देंगे। अभी हमने निकाल ली है अपनी, बिल्कुल अच्छे से हटा के ऑयल।
आप टेक्सचर को देख सकते हैं, मेरी कितनी क्रंची लग रही है। दोस्तों देखिए, अब हमारी पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। आप खुद देख सकते हैं इनका क्रंच, और देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और ऑयल लेस बनी है बिल्कुल, है ना। आप खुद भी तो ये ट्राई करें घर पे, चाय पकौड़ी खाइए, स्वस्थ रहिए। एक बार ट्राई करिए, सब अपने बच्चों को खिलाइए।